नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हम मौजूद हैं बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत चांद गांव में, जहां पे मैं दिखाना चाहता हूं कि यहां पे सासाराम लोकसभा के क्षेत्र के सांसद, बीजेपी के सांसद सिमेश राम जी मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूँ और जानता हूँ कि ये जो जनसंपर्क का दौरा कर रहे हैं, इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है और कैसे जनसंपर्क करके अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ सर? बच्चन में। जो अभी यहाँ पे सभा चल रही है जो छोटी सी, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि लोगों के भाजपा के प्रत्याशी सुरेश राम जी आए हुए हैं जी, और 50 साल पहले आज ही 25 तारीख को जो आपातकाल लगा हुआ था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, उसके एवज में आज जो है काला दिवस मनाया जा रहा है। इसी संबंध में हमारे नेता, प्रदेश के महामंत्री सुरेश राम जी आए हुए हम लोगों के बीच में, और आज का कार्यक्रम जनसंपर्क कार्यक्रम है। अपने जो आपके नेता हैं उनसे इस चीज़ को लेकर क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि किस तरह से आपकी मदद, सहायता मदद करें? हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि जो लोकतंत्र की हत्या 50 साल पहले हुई थी उसकी पुनरावृत्ति न हो, यह आम जनता को हम लोग जागरूक करेंगे। और शेष बात हमारे नेता सुरेश राम जी बताएंगे। थैंक यू सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है पहले सर। नमस्कार सर, जो आप जनसंपर्क करते हुए प्रखंड चांद में इस वक्त मौजूद हैं सर, तो आप इस चांद के क्षेत्रीय जनता से पहले क्या अपील करना चाहते हैं? हम कोई अपील करने नहीं आए, हम मिलने जुलने आए हैं, सबको प्रणाम करने आए हैं। क्षेत्र की सभी जनता ने जो मुझे समर्थन दिया, अपार समर्थन दिया चांद में, चांद से मैं विजयी हुआ, तो मैं सबका आभार व्यक्त करने आया हूँ। तो सर, जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो कार्यकर्ता लोग, उस किस विषय पे बात होनी सुनिश्चित हुआ है यहाँ पे? देखिए, मैं जैसे बताया कि मैं चुनाव लड़ा, लोकसभा के दृष्टिकोण से यहाँ चुनाव लड़ा हूँ और अपार जन समर्थन मुझे मिला। ठीक है, मैं चुनाव हार गया हूँ लेकिन मुझे जन समर्थन लगभग 5 लाख वोट मिला है और चांद प्रखंड से मुझे बम्पर वोट मिला, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने आया हूँ और जनता का आभार व्यक्त करने आया हूँ। सर, जो इन लोगों का जो मोमेंट है कि जो इन लोगों के साथ कुछ दिन पहले घटनाएं हुई थी, वैसा दोबारा ना हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? संतावना क्या होगा आपके लिए, इनके लिए? देखिए, ऐसा है कि देश में जो 1975 में जो आपातकाल लगा, जो घटना जो इंदिरा गांधी ने किया था, आज जो चला है एक पूरा कहानी है, हवा चला हुआ है कि संविधान खतरे में है। संविधान कोई खतरे में नहीं है, ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, कहानी बनाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में कांग्रेसियों ने डाला है 1975 को, संविधान को दरकिनार करके इस देश में आपातकाल लगाने का काम किया इंदिरा गांधी ने। आज वही लोग बोलेंगे संविधान खतरे में है। संविधान को तो मजबूती किया किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस चीज़ को मजबूत किया। आज संविधान के निर्माता माननीय जो बाबा भीमराव अंबेडकर को जो अपमानित किया कांग्रेसियों ने, उसको मजबूती किसने दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको बंगाल से जाकर राज्यसभा में भेजने का काम किया। तो हम लोग संविधान के समर्थक हैं और संविधान को बचाने वाले लोग हैं, और जो ये कांग्रेसी लोग जो हैं, जो संविधान को तोड़ने का काम किया, संविधान को बिगाड़ने का काम किया, वैसे लोग आज कह रहे हैं कि हम संविधान के हम बचाने वाले लोग हैं। इसी बात को मैं जनता के बीच में बताना चाहता हूँ कि असली संविधान को बचाने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी संविधान को बचाने वाले लोग हैं। सर, क्या कमियाँ रह गई कि इधर से चुनाव नहीं निकल पाया, जानना चाहते हैं सर जन। देखिए, कमियाँ मैं क्या कहूँ, कमियाँ हैं, जनता जानती है अच्छे से। पिछले बार से ज़्यादा वोट पाया मैंने और प्रचंड गर्मी थी और 4% वोट मेरा नुकसान हुआ। 4% वोट जो पिछले बार 54-55% वोट था, इस बार मात्र 50-51% वोट हुआ। सबसे ज़्यादा प्रचंड गर्मी एक आम चुनाव में रहा। सर, क्या अपने इस जो सासाराम लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है उनसे हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? लास्ट क्वेश्चन, यही कहना चाहते हैं कि सब हम लोग सुख शांति से रहें और मिलजुल के रहें, शांति बना के रखें, सभी बच्चे लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ें और नरेंद्र मोदी जी के कामों को अपने आत्मसात करें। नरेंद्र मोदी जी जो गाँव गाँव तक काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का आत्मसात करें, उनका लाभ लें। जो इतनी भीषण गर्मी में, अभी देहात साइड में इतना गर्मी चल रहा है कि टेम्परेचर नियर अबाउट 44 डिग्री लगभग है, इसमें आप जनसंपर्क कर रहे थे, इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है सर?
देखिए मेन उद्देश्य क्या है, ये क्षेत्र मेरे पिताजी का क्षेत्र रहा है मान्य मुनिलाल जी का, और ये खासकर चांद चैनपुर में पिताजी का काफ़ी लगाव रहा, और मुझे पार्टी ने टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जो टिकट मिला, ठीक है मैं चुनाव हार जरूर गया, बहुत कम अंतर से 1% वोट से हारा, लेकिन मेरा संकल्प है कि इस क्षेत्र में मैं आखिरी समय तक इस क्षेत्र में रहने वाला हूँ और जनता के हर सुख दुख में शामिल रहूँगा, यही मेरा घूमने का उद्देश्य है कि मैं लगातार इस क्षेत्र में बना रहा हूँ। जी शुक्रिया सर।